जहन दोस्तों, जैसे भी कोई जवान सेना में भर्ती होकर के वो अपने यूनिट में पोस्टिंग जाता है, सबसे पहले उसका गोल रहता है कि मैं 15 साल सर्विस करूं और मैं प्रीमेच्योर जाकर के घर में सेटल होऊंगा। फिर होता क्या है, लाइफ में आगे क्या होना है दोस्तों, ना आपको पता होता है, हमको पता हुआ कि धीरे धीरे सर्विस बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, फौज के अंदर रैंक्स मिलने लगते हैं और उसका मन धीरे धीरे कैरियर की तरफ चलता है। हर जवान जाता है, चाहता है कि नहीं मैं जेएसयू बनूं, और सभी मैक्सिमम जब जेएसयू बन जाते हैं उनके दिमाग में रहता है या तो मैं सूबेदार मेजर बनूं या कम से कम ऑनरी लेके जाऊं ताकि मुझे पैसे में काफी फायदा होगा। एक कैरियर प्रोफाइल चेंज होता है, बहुत सारा परिवर्तन होता है पैसे में, ये बिल्कुल सत्य है। जानना चाहते हैं, कई लोगों ने बोला साहब ये सूबेदार मेजर के लिए डीपीसी में क्या क्या चीजें कंसिडर होती हैं या ऑनरी बनते हैं उनमें क्या क्या चीजें कंसिडर होती हैं, आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो जरा आप हमारे साथ साझा करिए। मैं एक बोर्ड के जरिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तो सूबेदार मेजर जो डीपीसी होती है वो 1 से 5 मार्क्स की होती है, हर एक की मेरिट बनती है, साल में एक बार होती है। अभी सभी हम जानते हैं जुलाई अगस्त में ये बैठ जाती है और अक्टूबर नवंबर में डिक्लेयर होती है और नेक्स्ट ईयर के लिए जो अप्रूवल्स होते हैं वो फिर आगे प्रमोशन लगा के सूबेदार मेजर बनते हैं। यानी सबसे मेन वेटेज है उधर एसीआर का दोस्तों, यानी एसीआर के 90 मार्क्स है 1 से 5 में से और 15 मार्क्स बाकी चीजों के। तो आप ये समझेंगे कि सूबेदार मेजर है काफी एसीआर ओरिएंटेड है और एसीआर में आप देख सकते हो या आईओ आपका जो एसीआर भरता है, रिव्यूइंग ऑफिसर आपके सीओ साहब होते हैं, एसआरओ आपका कमांडर साहब होता है। तो जब पहले आपका एसीआर भरा जाता है 72 मार्क्स होते हैं आईओ आरओ के और ये मार्क्स होते हैं 15 15 कॉलम होते हैं, हर एक कॉलम का एक एक मार्क रिप्रेजेंटेटिव होता है। 15 आप एसीआर के आपने देखा होगा कितने कॉलम होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उसको वो ग्रेडिंग्स देते रहते हैं, नंबर्स देते रहते हैं, उन नंबरों का फिर टोटल किया जाता है। ये जब आपने देखा होगा कि हमारा एसीआर कमांडर साहब के पास जा रहा है तो आपका आउटस्टैंडिंग एसीआर है, आप समझ सकते हो। आईओ आरओ एसआरओ को मिला के 18 मार्क्स होते हैं, यानी 90 मार्क्स आपके जो होते हैं वो एसीआर के होते हैं। आप समझ सकते हो कि आपके एसीआर बोलते हैं ना मेरे 9 नंबर है, तो आप उस 9 नंबर की एमएस समझ सकते हो क्या है। दूसरा होता है कोर्सेस 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स के कोर्सेस हैं कि आपने आर्मी कोर्सेस कौन कौन से किए, उनमें आपके ग्रेडिंग है तो आपका डेल्टा ग्रेडिंग है तो 1 मार्क्स और AXI है तो 0.75 मार्क्स और AYI है तो आपका 0.5 मार्क्स कंसीडर होगा। आपने कितने कोर्स किए उसके हिसाब से आपके मार्क्स, यानी 5 डेल्टा किए हैं, 5 डेल्टा ग्रेड है तो 5 मार्क्स सीधे मिलेंगे, यानी इसका भी वेटेज है। फिर ऑनर एंड अवार्ड्स के 5 मार्क्स हैं, जैसे हम समझते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेंडेशन कार्ड मिलते हैं, GOCNC मिलते हैं, तो चीफ ऑफ स्टाफ वाले के 2 मार्क्स हैं और GOCNC के 1 मार्क्स हैं जो कि कंसीडर किए जाते हैं इस तरीके से। बाकी आपकी सर्विस है फील्ड सीआई हाइल्टी 5 मार्क्स हैं, आप फील्ड में सर्विस कर रहे हो तो 2 साल में 1 मार्क्स मिलेगा, सीआई हाइल्टीच्यूट में 1 ईयर में 1 मार्क्स मिलेगा। कितना आपने सर्विस किया उसके हिसाब से मार्क होंगे, ये मार्कों का एक बोर्ड बनता है, एक कमांडर साहब होते हैं, कौन सा नीचे कर्नल साहब होते हैं, फिर वो एक बोर्ड शुरू होता है, आपके पूरे एसीआर होते हैं और सीधा ये लिस्ट जाती है और इसके साथ फाइनल हो जाता है। इसके साथ इसी तरह का एक बोर्ड होता है, जैसे हम समझ सकते हैं कि ऑनरी मिलती है 15 अगस्त को मिलती है या 26 जनवरी को, उसके लिए एसीआर का 20 मार्क्स है इसमें दोस्तों। एसीआर पहले नहीं था, अभी पिछले 3 4 साल से एसीआर डाल दिया है, एसीआर का 20 मार्क्स था। बाकी कोर्सेस बिल्कुल आर्मी कोर्सेस का काफी वेटेज है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आप इंस्ट्रक्टर रहे हो उसका वेटेज है, अवार्ड्स आपको मिलते हैं कौन से अवार्ड्स हैं, जिस किसी प्रकार का अवार्ड्स मिलता है इसका वेटेज है, फील्ड सीआई हल्टीज बिग वेटेज है, आपने हल्टीच्यूट में सर्विस किया, आरआर किया, सीआई किया है, बहुत ज्यादा फर्क डालता है फील्ड आपका। फॉरेन सर्विस आपने विदेश में सर्विस किया है या आप कहीं ADC टूर है, आपके जो भी सर्विस प्रोफाइल है सारी चीजें आपने अच्छे की हैं वो पूरी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी। और दोस्तों इसका ध्यान रहे, जब आप ऑनरी आते हैं उसकी एक सीट है और उसके सीट के अनुसार क्या क्या उन्होंने आपके कंसिडर किया है, वो पार्ट ऑर्डर भी होने चाहिए, ये सब चीजें आपने की हैं लेकिन आपके पार्ट ऑर्डर भी होने चाहिए और वो आपको भेजेंगे कि आपके ये चीजें मैंने कंसिडर किया है। इंडिविजुअल को भी जाती है, इंडिविजुअल चेक करे कि हाँ इसके अलावा मेरा कुछ है तो अपनी ऑफिस से वो भेजा टाइम से भेजेगा तो वो भी चीज़ें कंसिडर होंगी। और इस तरीके का बोर्ड होता है, बोर्ड पैनल में ये सारी चीज़ें कंसिडर की जाती है, चाहे सूबेदार मेजर की DPC हो, चाहे आपको ऑनरी लेफ्टिनेंट या कैप्टन के लिए हो। धन्यवाद दोस्तों।